नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो उपाय आपको मैं बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को सुन करके कभी डाउटफुल मत होना कि ये करने से क्या सच में ये होगा या नहीं होगा, या फिर चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। नॉट लाइक दिस। बिल्कुल पॉजिटिव होकर के आप इस उपाय को सुनना और उसके बाद आप इसको करना, करके देखना। दोस्तों, जिसने भी इसको किया है आज तक, मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे इसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। लगभग सारे ही व्यक्तियों के साथ जिन्होंने भी इसको किया है, सबके साथ बहुत ही अच्छा हुआ। तो आप भी इस उपाय को करके अवश्य ही देखना। दोस्तों, ये उपाय आपको करना है बाथरूम में, मतलब कि बाथरूम में जहां आप नहाने के लिए जाते हैं। इस उपाय को आप करना शुरू करें, आप देखेंगे कि लक्ष्मी की कैसे आपके ऊपर कृपा बरसती है। लगभग दोस्तों रोज आपके पास धन आएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी तरीके से आए, निरंतर आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। कभी भी आपका बटुआ खाली नहीं होगा, आपकी तिजोरी दोस्तों हमेशा भरी रहेगी। इस उपाय को करने मात्र से, ये उपाय आपको बाथरूम में करना है नहाते समय। बहुत ध्यान से दोस्तों इस उपाय को आप सुनना, समझना और उसके बाद ही आप इसे फॉलो करना, ठीक है? तो दोस्तों, आपको लेना है अनार की 5 चीजें, थोड़े से अनार के मतलब फूल हो, एक आधा फूल हो, उसकी पत्ती, जड़। बहुत ध्यान से दोस्तों आप सुन लेना कि अनार के आपको 5 चीजें चाहिए। अनार की पत्ती, अनार के फूल, अनार का फल, अनार की जड़ और अनार की लकड़ी, बराबर। इन चीजों को आप अपने पास ही रख लें। और दोस्तों, आपको इन चीजों को आपके नहाने के पानी में मिला देना है। क्या करना है? नहाने के पानी में आपको ये पांचों ही चीजें, भले ही आप थोड़ी थोड़ी सी डालें, लेकिन आपको इन पांचों ही चीजों को नहाने के पानी में डाल देना है। और जो अनार है, अनार का दाना, आप अनार के 2-4 दाने ही ले, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नहाने से पहले आप उन दानों को अपने हाथ में रखकर, हथेली में रखकर अच्छे से मसल दें। मसल करके उस पानी को भी आप हाथ को भी पानी में धो लें, जिस पानी से आपको स्नान करना है, ठीक है? यदि आप शावर में स्नान करते हैं तो वो स्नान करने से पहले आप इस पानी में स्नान करें जो मैं आपको बता रही हूँ। इन पांचों चीजों को दोस्तों पानी में मिला देने के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी आपको नहाने के पानी में मिला देनी है, बराबर। और उसके बाद आपको उस पानी से स्नान करना है। पानी से स्नान करते समय आपको सिर्फ एक ही शब्द कंटिन्यू बोलते रहना है, और वो शब्द है दोस्तों लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। और कोई भी शब्द आपको बोलना नहीं है, मतलब कि आपको अपने मन से टोटल माता लक्ष्मी को याद करना है। इस पौधे की हर चीज लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी प्रदान है। और नहाने के पानी में यदि आप सिर्फ हल्दी भी मिलाते हैं शुक्रवार के दिन, तो भी दोस्तों आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो आप पानी में हल्दी अवश्य ही मिलाएं। अनार की ये पांचों चीजों के साथ थोड़ी सी हल्दी भी अवश्य ही मिलाएं। और कंटिन्यू जब तक आप नहाते हैं सिर्फ एक ही शब्द बोलते रहे, वो शब्द है लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। और जब आप इस पानी से स्नान करते हैं, आप बस यूं ही सोचे, आप अपने थॉट में, आप कंटिन्यू, आपका थॉट इसी दिशा में होना चाहिए, जैसे कि आपके ऊपर ये पानी नहीं
रुपए बरस रहे हों। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कंटिन्यू अपनी कृपा बरसा रही हो। नहा लेने के बाद दोस्तों बाहर जब आप आ जाते हैं, कपड़े पहनकर स्वच्छ होकर के आपको थोड़ी सी हल्दी और जरा सा गाय का घी ले लेना है। दोनों को मिक्स करके अपनी बॉडी पर हल्के से अप्लाई कर देना है, भले आप थोड़ा सा ही लगाएं, लेकिन जब आप इसको अपनी बॉडी पर लगाते हैं उस समय आपको बोलना है महालक्ष्मी ओम नमो महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। बस इस मंत्र को बोल करके आपको हल्दी और गाय का घी अपनी बॉडी में अप्लाई कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इस उपाय को शुरू करेंगे करना, आपको कुछ ही समय में, बहुत ही जल्दी मैं तो कहूँगी, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। पैसे आपके पास बहाना मार मार कर आने लग जाएंगे। ये उपाय दोस्तों आपको शुक्रवार से शुरू करना है, करके देखें दोस्तों, बहुत ही साधारण उपाय है। बाथरूम में जब आप स्नान करने जाते हैं उसी समय आपको सिर्फ यही एक शब्द बोलते रहना है और इन चीजों को पानी में मिला लेना है, मिला करके आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आपको सिर्फ हल्दी और गाय का घी अपनी बॉडी में अप्लाई करना है। फिर से बता दूं दोस्तों, ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन से करना है। जब भी आप नहाने के लिए जाएं, वो समय सुबह का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शुरुआत दोस्तों आप इसकी शुक्रवार से करें। और यदि आप इसको हर शुक्रवार करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया आएगा। करते रहें दोस्तों, करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।